तो हेलो गाइस, स्वागत है। मैं जनरल एडिटर मोहित जोशी। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आप आइस इफेक्ट वीडियो एडिट कैसे कर सकते हो। आप वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिना स्किप किए आपको पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि आप आइस इफेक्ट वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना है, आपको सबसे पहले दो ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहला है कप कट और दूसरा है टर्बो वीपीएन, या फिर कोई भी वीपीएन डाउनलोड कर सकते हो। और आपको कप कट है वो आपको ये गूगल पे ही मिलेगा, प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। और वीपीएन आप कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आगे आपको क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, आपको किसी भी वीपीएन को कनेक्ट कर देना है। जैसे मैं टर्बो वीपीएन कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वीपीएन कनेक्ट में होने के बाद आपको कप कट को आपको ओपन कर लेना है। आप ओपन करने के बाद आपको कुछ इसको परमिशंस देनी होगी। वो आप सारी परमिशन देने के बाद आपको क्या करना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो आ जाएंगे आपको जिसको एडिट करना है, और आपको क्या करना है, ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। वीडियो सिलेक्ट करके ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और उसके बाद आपको देखिए दिखाई देगा नीचे के साइड इफेक्ट। इफेक्ट के आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर दिखाई देगा बॉडी इफेक्ट। आप बॉडी इफेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने कुछ इफेक्ट आ चुके हैं। और इसको थोड़ा वीपीएन है तो इसके अंदर नेटवर्क आपका थोड़ा स्लो चलेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आगे की साइड सुपर पावर लिखा हुआ है, आपको सुपर पावर पे क्लिक करना है। और आपके सामने पूरे आइस इफेक्ट है, बॉडी इफेक्ट है, वो सब आ जाएंगे। और आप इसको कोई भी एडिट कर सकते हो, किसी को भी। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके सिंपली अपने आप ये आँखों में सेट हो जाएगा और चेहरे पर सेट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को बहुत इजीली आप इफेक्ट को डाउनलोड करके इफेक्ट लगा सकते हो वीडियो के अंदर। तो आपको इसको डाउनलोड करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की साइड 720 पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो की क्वालिटी आप जैसे करनी चाहो वैसी कर लेना, और आपको तीर वाला ऑप्शन क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है।